मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि मतगणना होना अभी बाकी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बनाए हुए हैं। वहीं भोपाल जिले में आबकारी विभाग की टीम भी लगातार सक्रिय है। सहायक आयुक्त आबकारी दीपम रायचूरा ने बताया कि व्हाट्सएप नंबर से कुछ शिकायतें मिल रही थी, और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले से ही आबकारी विभाग के द्वारा भोपाल जिले में जो भी शिकायत मिल रही है उसे पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक हम ऐसी मदिरा दुकान जो समय पूर्व खुलती है और समय के बाद बंद होती है, ऐसी 9 दुकानों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही साथ 12 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस एक एक दिन के लिए निलंबित किया। विभाग द्वारा निरंतर ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाकर कार्रवाई की जाती है। जो भी कार्रवाई हुई है वह आबकारी अधिनियम में हम लोग विभागीय प्रकरण बनाते हैं, परंतु जिस तरह से शिकायतें की गई है, उन शिकायतों की जब हमारे द्वारा जांच की गई तो अधिकांश शिकायतें गलत पाई गई है, और विभाग इन दुकानों पर विशेष नज़र रख रहा है, और अगर ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से हम लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण कायम करेंगे। कुछ व्हाट्सएप नंबर से मुझे भी कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले से ही आबकारी विभाग के द्वारा भोपाल ज़िले में किसी भी प्रकार से जो भी शिकायत मिल रही है उस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हम ऐसी मदिरा दुकानें जो समय पूर्व खुलती हैं और समय के बाद बंद होती हैं, ऐसी 9 दुकानों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही साथ 12 कंपोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंस एक एक दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। भी कार्रवाई हुई है वो आबकारी अधिनियम में हम लोग विभागीय प्रकरण बनाते हैं, परंतु जिस तरह से शिकायतें की गई हैं, उन शिकायतों की जब हमारे द्वारा जांच की गई तो अधिकांश शिकायतें गलत पाई गईं, और विभाग इन दुकानों पर विशेष नज़र रख रहा है, और अगर ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से हम लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण कायम करेंगे। वहीं शराब दुकानदारों का कहना है कि वे नियमित समय पर दुकान खोलते हैं और नियमित समय पर बंद करते हैं, और जो सरकारी रेट तय किए गए हैं उसके हिसाब से ही शराब का विक्रय करते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे भी आते हैं जो रेट कम करने का दबाव बनाते हैं, साथ ही फ्री में शराब की बोतल मांगते हैं, लेकिन कम रेट पर शराब नहीं दी जाती है तो वह विवाद करते हैं और आबकारी से हमारी झूठी शिकायतें करते हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि आबकारी के जो नियम है उनके हिसाब से ही दुकानों का संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा टाइम दिया गया निर्धारित है, उसी टाइम से दुकान खुलती है, टाइम से बंद होती है। हमारे यहाँ टोटल MRP 1000 बिकती है, लेकिन लोग आ जाते हैं अभी करने, मुझे कमीशन दो, फ्री में दारू दो, परेशान करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, उस पर शिकायतें करते हैं, और कई बार मौके रूप में मैंने शिकायत भी की, लेकिन अब अभी शिकायत दी है। रेट है MRP में, उससे ज़्यादा में नहीं बेचते, और दुकान का जो टाइम है उसने ज़्यादा समय से दुकान खुलती है और बंद होती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी कुछ दिन पहले 2-4 बार कई लोग हैं आते हैं, अड़ीबाजी करते हैं। और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।